Hi guys, welcome to my channel, that is Learning Unattained by Dhruv Goyal. You must have heard of this question, tiger and hunter question in time speed distance modeling, right? And maximum books mein dekhta hun, toh ek formula de rakha hota hai, and mujhe wo formula kabhi yaad nahi hota hai, right? Definitely itne sare formulas hote hain CAT ke liye, kaun kitne formulas yaad rahega? So it's always better to remember the concepts. To aaj hum ye alag concept karenge. So I have taken a question jiske andar ek hunter aur tiger hai. एक हंटर जो है ही फायर टू शॉट्स फ्रॉम द ब्रांच एट इंटरवल ऑफ 76 सेकंड्स टाइगर सेपरेटिंग टू फास्ट हियर्स द साउंड ऑफ टू शॉट्स एट इंटरवल ऑफ 90 सेकंड्स इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड्स राइट देन फाइंड द स्पीड ऑफ द टाइगर दिस व्हाट द क्वेश्चन इज राइट तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम एक हंटर है और एक टाइगर है हंटर यहाँ पर 76 सेकंड्स के इंटरवल पे दो शॉट फायर कर रहा है अगर टाइगर यहीं का यहीं बैठा हुआ है तो उसे ये शॉट 76 सेकंड्स के टाइम के बाद मिल जाएंगे सुन लेगा वो 70 सेकंड्स के बाद लेकिन 76 सेकंड्स के बाद तो वो सुन नहीं रहा है वो कितने सेकंड्स के बाद सुन रहा है 90 सेकंड्स के बाद सुन रहा है वाई बिकॉज टाइगर भाग रहा है तो मतलब टाइगर ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ पर वो साउंड जो है 76 सेकंड में पहुंच जाती लेकिन साउंड को कितना टाइम लग रहा है 90 सेकंड्स लग रहे हैं दैट मींस साउंड को एक्स्ट्रा 14 सेकंड्स के लिए आगे बढ़ना पड़ा है एट व्हाट स्पीड 330 मीटर पर सेकंड्स तो अगर साउंड यहां पर 14 सेकंड्स में पहुंच रही है एक्स्ट्रा में तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ये डिस्टेंस कितना होगा ये डिस्टेंस होगा मेरा 330 × 14 अब टाइगर जो है वो 90 सेकंड के बाद ये साउंड सुन रहा है पहली बार जब शॉट सुना होगा जब भागने लग गया होगा और 90 सेकंड तक भागता रहा होगा तो टाइगर की स्पीड अगर हम एक्स मान के चलते हैं तो 90 सेकंड तक भागा होगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा सेम डिस्टेंस तो होगा इफ आई ट्राई टू सॉल्व इट जीरो से जीरो गया थ्री से 11 गया यहाँ पर थ्री रह गया 11 × 14 = 154/3 = x तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 51.33 मीटर पर सेकेंड That is the speed of the tiger, and that's it. और book में हमें formula क्या दे रखा होता है? A separation speed divided by the approaching speed, right, is equal to time of approaching divided by time of separation. कौन ये formula याद रखेगा जबकि concept इतना simple है, right? So if you have any further queries regarding time speed distance or any other topic in quant, please do mail me at queries@dhruvgoyal.in. Till the time. Thank you very much and have a great day.